यार एक गाना है, ठीक है, आरंभ है प्रचंड। तुम लोग जितने लोग भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, जब भी लो फील करते हो उस गाने को जरूर सुनना। ये गाना बहुत मोटिवेट करता है यार, बहुत ही मोटिवेशन वाला गाना है ये, ठीक है। इसकी कुछ कुछ लाइनें तुम्हें समझाते हैं, सुन के मजा ही आ जाएगा। सबसे पहला आरंभ है प्रचंड, ये जो आरंभ है प्रचंड शब्द है ना, इसी में बड़ी पावर है। देखो इसके कहने का मतलब क्या है ये समझो, ठीक है। गाने बड़े बेहतरीन बने हैं यार, लेकिन तुम उनको समझ नहीं पाते हो। बस आरंभ है प्रचंड का मतलब ये है कि कुछ चीज़ हमें ऐसी चूज करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष है, लेकिन हमने चुन लिया है तो फिर हम उस पर अड़ जाएंगे, क्रांति ला देंगे, ठीक है। अगली लाइन इसमें एक आती है, मतलब कुछ कुछ लाइनें हमने लिखी, पूरा गाना तो सुन लोगे खुद। मन करे जो प्राण दे, मन करे जो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मतलब कि अगर तुम्हें शक्ति अर्जित करनी है, अगर तुम्हें चाहिए किसी चीज़ में, तुम्हें शक्ति चाहिए, तो उसमें या तो जान लेनी पड़ेगी या तो जान देनी पड़ेगी। अब जान लेने का मतलब किसी का मर्डर करना नहीं है यहाँ पे, और जान लेने का मतलब खुद को मार देना नहीं होता है। जान लेने का मतलब यार ये होता है कि उसके अलावा तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, फिर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखना है, ठीक है। तो मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। बहुत पावरफुल लाइन है। अगली लाइन इसमें आती है, विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। युद्ध मतलब कि युद्ध का मतलब समझ रहे हो, युद्ध का मतलब ये नहीं तुम किसी घर में घुस के उसको मारा जाके, युद्ध का मतलब यार ये है कि तुम जहाँ पे जो चीज़ कर रहे हो वही तुम्हारे लिए एक युद्ध है, और जहाँ पे तुम कर रहे हो तुम्हारी बैटल फील्ड है, तुम्हें वो बैटल जीतना है। अब उसको जीतने के लिए तुम्हें क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति का मतलब ये है, वही एक सेम चीज़ सामने आ गई कि जब हम किसी चीज़ के लिए क्रांति कर रहे हैं, भगत सिंह थे, उनको देश की आज़ादी चाहिए थी, उन्होंने आसपास का कुछ समझा ही नहीं कि क्या था, उन्होंने अपनी साथ दी, कुछ भी ध्यान नहीं था उनको, ठीक है। तो वही चीज़ उसी क्रांति की बात हो रही है, तभी सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। अगली एक लाइन आती है, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। अगर तुम सब चीज़ें तुम्हारी ईजी चल रही है, मतलब अपने कम्फर्ट जोन में हो, तो तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा कोई, दबे कुचले नजर आओगे कहीं। लेकिन अगर तुम उसके अगेंस्ट खड़े हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, इसको रिपीट करो अपने अंदर, जो लड़ सका है वो ही तो, मतलब जब आप एक दो बार सुनोगे ना ये गाना, एकदम गूज़बम्स आएंगे, और तुम यकीन मानो 6-6 घंटे बैठे रहोगे पढ़ने के लिए। हम ये नहीं कहते किसी मोटिवेशन की जरूरत है पढ़ने के लिए, लेकिन जरूरत है उसे एक स्पार्क की, वो गाना तुम्हें दे सकता है, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। अगर महान बनना है तो लड़ना तो पड़ेगा, ऐसे तो बिस्तर पे सब पड़े हैं यार, सब मरी जाना है सबको एक दिन। आखिरी लाइन है कि जो हमें और बेहतरीन लगती है, कि जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वस नहीं। मतलब कि जीत की हवस नहीं, जीत की हवस नहीं मतलब क्या, ये नहीं है तुम्हें कि नौकरी मिली जाएगी, कंफर्म नहीं है मिल जाएगी, लेकिन तुम जितने दिन तैयारी करोगे उतने दिन कुछ भी तुम्हें दिखेगा नहीं, बस इतना ध्यान रखो। और यकीन मानो यार, गीता में बहुत जगह लिखा है ये चीज़ें, अगर आप पढ़ते होगे तो, कि अगर तुम किसी काम को इतना समय दे रहे हो तो वो तुम्हें कुछ भी निगेटिव दे के नहीं जाएगी हमेशा, या तुम्हारी लाइफ स्पॉइल नहीं करेगी। तो जो लोग ये कमेंट करते हैं आके ना कि भैया ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करके देखो तब पता चलता है, वो सब हमने झेला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें समझाते हैं कि मेहनत करो, मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसकी अगली लाइन है, किसी पे कोई बस नहीं, कोई तुम्हें कमांड ना कर रहा हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुमसे गुस्सा आ गया तो तुम्हारा भी मुंह उतर गया, कोई तुमसे खुश है तो तुम भी खुश, किसी के हाथ में अपनी चाबी मत दो, ठीक है। किसी पे कोई बस नहीं, खुद पे अपना बस होना चाहिए। तो ये गाना सुनो यार, और जरूर बताओ, आगे ऐसे ही मोटिवेटिंग एक दो वीडियोज हम लाते रहेंगे, तुम लोगों को मजा आता रहेगा, मेरा वादा है। और बस इतना ही आज के वीडियो में। राम राम, जय हिंद।